फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक अपने बेटे जैद की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। पिछले काफी टाइम से उनका बेटा जैद बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहा था। 4 महीने का जैद इतने बड़े ऑपरेशन से होकर गुजरा, उसके इतने सारे स्ट्रिचेस आए, लेकिन इसके बावजूद उसकी तबीयत संभल में बिल्कुल नहीं आ रही थी। जैद की लगातार तबीयत खराब होने के बाद फैंस ने अरमान मलिक और उनकी फैमिली को ये एडवाइस किया कि आपके बच्चों को बार बार नजर लग रही है, आप अपने बच्चों के लिए कोई पूजा रखवा लीजिए, लगता है कि उन्हें कोई बुरी नजर लग गई है। अरमान मलिक ने फैंस की एडवाइस को ध्यान रखा और बच्चों के लिए अपने घर में एक पूजा भी रखवाई, लेकिन पूजा के दौरान कृतिका मलिक ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद ट्रोल्स के निशाने पर एक बार फिर से अरमान मलिक की पूरी फैमिली है। दरअसल हाल ही में अरमान मलिक, पायल, कृतिका तीनों ने पूजा का एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से बीमार बच्चों के लिए उन्होंने अपने घर में पूजा रखवाई है। कल और परसों के वीडियो में कृतिका मलिक ये कहती नजर आई थी कि ऑपरेशन के बाद जो जैद है उसके स्ट्रेचेस में पानी भर गया है, मवाद आ गया है, जिसकी वजह से उसे काफी परेशानी हो रही है, वो बहुत ज्यादा रो रहा है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, जो नया वीडियो सामने आया है, उसमें आप देख सकते हैं कृतिका ने जिस तरीके से जैद को उठाया हुआ है और पूजा खत्म होने के बाद जिस तरीके से उन्होंने टांगों वाली साइड से जैद को नीचे लेटा दिया है उल्टा, उसके बाद फैंस ने कृतिका को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि जिस जगह पर जैद के टांके लगे हैं उसी जगह पर तुमने जैद को उल्टा लेटा दिया है, क्या इससे उसको दर्द नहीं हो रहा होगा। ऐसे बहुत सारे कॉमेंट्स हैं जो आप देख सकते हैं, जिसमें कि अरमान और उनकी फैमिली, खासकर कृतिका को बहुत बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि कृतिका माँ है, फिर भी उसको बच्चे को रखना नहीं आता है। अभी हाल ही में जैद का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उसके पेट पर इतने सारे स्ट्रिचेस आए हैं, और आखिर उसके बाद क्यों इस तरीके से कृतिका ने उल्टे पेट की साइड पर जैद को नीचे जमीन पर लेटा दिया, क्या उसकी टाँकों में दर्द नहीं हो रहा होगा, क्या जैद दर्द से तड़प नहीं रहा होगा। इसी बात को लेकर लोगों ने कृतिका को बहुत गंदे से ट्रोल किया। अरमान मलिक की बात करें तो अरमान मलिक हर बार किसी न किसी वजह से कंट्रोवर्सी में फंस ही जाते हैं। पिछले काफ़ी टाइम से जैद की तबीयत को लेकर भी अरमान को बहुत बुरी तरह से लोग लताड़ रहे हैं। लोगों का मानना है कि व्यूज़ और लाइक्स के चक्कर में ये लोग अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करते हैं। पिछले काफ़ी टाइम से अरमान ने सिर्फ जैद को लेकर व्लॉग्स बनाए, लोगों को बताया कि किस तरीके से जैद का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, उसकी आंतों में इन्फेक्शन हुआ, और इसी वजह से लोगों ने अरमान को भी ट्रोल किया। लोगों का साफ साफ यही कहना है कि ये मलिक फैमिली पैसों के लिए, व्यूज के लिए कुछ भी कर सकती है, ये लोग सिर्फ अपने बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा देखने को भी मिला। पिछले कई सारे व्लॉग्स में लोगों ने जैद की तबीयत का मजाक बनाकर रख दिया। एक 4 महीने का बच्चा जो अभी इतना छोटा है, उसका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, उसके स्ट्रिचेज आए, लेकिन इसके बावजूद ये लोग व्लॉग बनाने से बाज नहीं आए, और यही वजह है कि लोगों ने इसी बात को लेकर लताड़ा है पूरी फैमिली को, क्योंकि जैद बहुत ज्यादा दर्द से गुजरा, लेकिन ये लोग व्लॉग बनाने से पीछे नहीं हटे। अब हाल ही की वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कृतिका है, उन्होंने जैद को पेट की तरफ लिटा दिया है, जहां पर उसके टांके आए थे। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।